हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं अजय तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। वैसे मैंने सोचा था कि जो वीडियो है ना, ये 2 दिन बाद बनाऊंगा मैं, लेकिन आप लोगों ने इतने मैसेज किए व्हाट्सअप पर, है ना, कि सर प्लीज़ अभी लॉकडाउन चल रहा है, वीडियो जल्दी जल्दी से बना के दीजिए। फ़ोन आने लगे, कम से कम 50 फ़ोन आए होंगे कल से लेके आज तक। तो मुझे लगा कि चलो बना देते हैं, लेकिन याद रखना मैं वीडियो तो बनाता जा रहा हूँ, ठीक है ना। कोशिश करूँगा कंटिन्यू आपको वीडियो दूँ, जल्दी जल्दी ख़त्म करवाऊँ आपका कोर्स। जितने भी लोग हमारी वीडियो को पसंद करते हैं, उन लोगों से ही कह सकता हूँ मैं कि आप लोग शेयर ज़रूर करना। आप लोग शेयर करते रहोगे तो मैं कंटिन्यू आपको वीडियो देता रहूँगा, ठीक है। आज देखते हैं कितने लोग शेयर करते हैं इस वीडियो को। तो आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसमें मैं आपको बस टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा इसकी, मतलब आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ क्या होती है, ठीक है ना। इनके बारे में डिटेल में और एक वीडियो आएगा, उसमें पढ़ेंगे। तो बिल्कुल इस डायग्राम को बहुत ध्यान से समझना, मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा आपको और आपके दिमाग में बिठाने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले पौधों का वर्गीकरण, 2 प्रकार से पौधों को विभाजित किया गया। जब इसमें देखा गया कि पौधे 2 प्रकार के होते हैं, एक ऐसे पौधे होते हैं जिनमें पुष्प लगते हैं, पुष्प एवं फल देने वाले पौधे होते हैं, तो ऐसे पौधे जो पुष्प एवं फल देते हैं उन्हें बोलते हैं पुष्पीय पौधे, हिंदी में बोलते हैं पुष्पीय पौधे, और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है फैनिरोगैमी। तो ऐसे पौधे जो पुष्प एवं फल देते हैं उन्हें पुष्पीय पौधे या फैनिरोगैमी कहा जाता है, फैनिरोगैमी। और ऐसे पौधे जो पुष्प एवं फल नहीं देते हैं उन्हें बोला जाता है अपुष्पीय पौधे या क्रिप्टोगैमी, अपुष्पीय पौधे या क्रिप्टोगैमी, ठीक है। तो पुष्पीय पौधे को फेनिरोगैमी और अपुष्पीय पौधे को क्रिप्टोगैमी कहा जाता है। जो पुष्प एवं फल, या हम बोल सकते हैं ऐसे पौधे जो पुष्प एवं फल देते हैं उन्हें पुष्पीय फेनिरोगैमी, और ऐसे पौधे जो पुष्प एवं फल नहीं देते हैं उन्हें अपुष्पीय पौधे या क्रिप्टोगैमी कहा जाता है। पा के बाद फा आता है, तो आप इसको याद कर सकते हो कि पुष्पीय को फेनिरोगैमी कहा जाता है इंग्लिश में और अपुष्पीय को क्रिप्टोगैमी कहा जाता है। अब जो क्रिप्टोगैमी है या अपुष्पीय पौधे हैं, मतलब ऐसे पौधे जो पुष्प और फल नहीं देते हैं, उनको 3 कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। एक है थैलोफाइटा, इसका नाम जरूर सुना होगा आपने, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये अपुष्पीय पौधे के 3 भागों में बांटा गया है। जो पुष्पीय पौधे हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, एक है जिम्नोस्पर्म और एक है एंजियोस्पर्म। ये इंग्लिश नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हिंदी के साथ आपको इंग्लिश नाम याद रखना है, ठीक है। इसमें कौन से हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये तीनों के तीनों कैसे हैं, अपुष्पीय वाले। तो फेनिरोगैमी जो पुष्पीय पौधे होते हैं इनको फिर से 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक होते हैं आवृतबीजी और एक होते हैं अनावृतबीजी। अनावृतबीजी मतलब जिम्नोस्पर्म और आवृतबीजी मतलब एंजियोस्पर्म। अब आवृत अनावृत का मतलब कैसा है, तो इसका मतलब ऐसा होता है कि मैंने बोला कि ऐसे पौधे जिसमें पुष्प और फल लगते हैं, फल लगेंगे मतलब बीज होगा, तो बीज पे डिपेंड करता है, अगर उनका जो बीज है बीज के ऊपर कोई आवरण है तो उसे क्या बोलेंगे, आवृत बीजी, मतलब उसके बीजों के ऊपर आवरण है कोई ना कोई। तो जिन पौधों के बीज के ऊपर आवरण होता है उन्हें बोलते हैं आवृत बीजी। लेकिन आपको इंग्लिश नाम पूछा जाता है तो आप बोलोगे ऐसे पौधे जिनके बीज के ऊपर आवरण होता है उनको बोलेंगे एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी, एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी, याद रखना। और ऐसे पौधे जिनके बीज के ऊपर आवरण नहीं होता उनको बोलते हैं अनावृत बीजी, या आपने एक नाम सुना होगा अनावृत बीजी या नग्न बीजी भी कहा जाता है उनको, नग्न बीजी, अनावृत बीजी, या फिर इसका इंग्लिश में बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। ये इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब जिसके पौधे में जो बीज लगे हैं बीज के ऊपर आवरण है तो उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म या बोलेंगे आवृतबीजी, एंजियोस्पर्म, आवृतबीजी। अब आवरण के अंदर बीज है इसलिए बोला आवृतबीजी, मतलब बीज के ऊपर क्या आवरण है, तो आवरण है बाहर, अंदर होगा बीज। अगर अंदर बीज का एक दाना है तो हम बोलेंगे एक बीजपत्री, और बीज के अंदर 2 दाने हैं, उस आवरण के अंदर बीज के 2 दाने हैं उसको बोलेंगे द्विबीजपत्री। जो एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री है वो किसके भाग हैं, वो भाग हैं आवृत बीजी के, किसके, आवृत बीजी के या एंजियोस्पर्म के, क्योंकि इसी में ही आवरण पाया जाता है। तो ये आपको क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से याद रखना है, ध्यान रखना है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से, पहले स्ट्रक्चर आपको पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप बोलो पुष्पीय पौधों को क्या बोलोगे, ऐसे पौधे जो पुष्प और फल प्रदान करते हैं उनको क्या बोलोगे, फेनिरोगैमी,
और जो पुष्प और फल प्रदान नहीं करते हैं उनको बोलते हैं क्रिप्टोगैमी। क्रिप्टोगैमी तीन भागों में डिवाइड है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और जो पुष्पीय पौधे हैं वो दो भागों में विभाजित रहते हैं, एक अनावृत बीजी, एक आवृत बीजी। अनावृत बीजी को क्या बोलते हैं, तो अनावृत बीजी को बोलते हैं जिम्नोस्पर्म या नग्न बीजी, मतलब ऐसे बीज जिनके बाह्य आवरण नहीं होता, जिनके बाहर कोई आवरण नहीं होता उन्हें बोलते हैं जिम्नोस्पर्म या नग्न बीजी, और ऐसे बीज जिनके बाहर आवरण होता है उनको बोलते हैं आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म इंग्लिश में। जो आवृत बीजी है या एंजियोस्पर्म है इनको फिर से दो भागों में डिवाइड किया गया है। अगर बीज का आवरण के अंदर बीज का एक दाना है तो उसको बोलेंगे एक बीज पत्री, और आवरण के अंदर बीज के दो दाने हैं जैसे मटर और चना में होते हैं उनको बोलेंगे द्वि बीज पत्री। तो एक बीज पत्री, द्वि बीज पत्री, ठीक है। यहां से क्या बोला मैंने, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये तीन जो है वो किसमें आएंगे, वो अपुष्पीय पौधे होते हैं, ये इनमें पुष्प और फल नहीं देते हैं। अब हम इनकी प्रॉपर्टी जान लेते हैं, आज नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आपको ये जानना है कि जो थैलोफाइटा होता है, थैलोफाइटा का मतलब है ये थैलस से मिलके बना है। थैलस, जैसे आपने देखा होगा पानी जब भरा रहता है एक जगह पर बहुत दिनों तक पानी भर जाता है तो हम बोलते हैं ना काई लग गई, क्या बोलते हैं उसको, काई, ठीक है। जो काई होती है वो ए वाले होते हैं, उसको बोलते हैं थैलोफाइटा वाले, वो भी पौधे में काउंट होती है वो काई, ठीक है। वो काई किस में होती है, पौधों में काउंट होती है, और वो कैसे होती है, वो थैलोफाइटा के अंतर्गत आती है, जिसमें देखो कवक, शैवाल और जीवाणु, ये थैलोफाइटा है। किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये ध्यान रखना आपको बिल्कुल, कवक, शैवाल और जीवाणु, ये तीनों के तीनों, कवक, शैवाल और जीवाणु किसके अंतर्गत आएंगे, थैलोफाइटा के अंतर्गत। और थैलोफाइटा में आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि इनके शरीर का विभाजन नहीं हो सकता, मतलब इनके शरीर को जड़, तना और पत्तियों में नहीं बांटा जा सकता। कोई भी पौधा होता है आप देख सकते हो कि हाँ इस पौधे की जड़ जमीन के अंदर होगी, तना आपको दिख रहा है और पत्तियां भी आपको दिख रही होंगी। तो किसी भी पेड़ पौधों के मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जा सकता है, जड़, तना, पत्ती। इन तीनों में से इनको जड़, तना, पत्ती में से किसी भी भाग में नहीं बांटा जा सकता, ना तो जड़ देखेगी, ना तना देखेगा, ना पत्ती। जो ब्रायोफाइटा है इनके शरीर को आप तना और पत्ती में बांट सकते हो, लेकिन जड़ें इनकी बहुत पतली होती हैं। तो क्या बोलोगे, जो ब्रायोफाइटा है इनमें एक भी भाग में नहीं बांटा जा सकता है, इनमें स्टार्टिंग की ऊपर के दो भागों में बांटा जा सकता है, किस किस में, तो तना और पत्तियों में, लेकिन है ना, इसलिए मैं इसमें सही कनेक्शन लगाता हूँ, इसमें पत्तियां भी होती हैं, तना भी होती है, लेकिन जड़ नहीं होती हैं। और इसमें पत्ती भी होती है, तना भी होता है और जड़ भी होती है। ये विकसित पौधे होते हैं, कौन से, टेरिडोफाइटा वाले विकसित पौधे होते हैं, और ये सारे के सारे ये तो विकसित रहेंगे ही रहेंगे, क्यों, क्योंकि पुष्प और फल देने वाले पौधे हैं तो ये तो विकसित होना ही पड़ेगा, छोटे मोटे पौधे तो फल दे नहीं सकते। तो ये जो आवृत बीजी, अनावृत बीजी हैं, ये भी आपके कैसे रहेंगे, ये विकसित पौधे रहेंगे, मतलब इनके शरीर को जड़, तना, पत्ती में विभाजित किया जा सकता है। टेरिडोफाइटा होता है, इसका एग्जाम्पल है फर्न और सिलेजिनेला। तो फर्न और सिलेजिनेला कैसा है, ये विकसित पौधा है पूर्ण रूप से। इस जो फर्न है, ये पूछा जाता है कि फर्न किस प्रकार का पौधा है, तो टेरिडोफाइटा, फर्न और सिलेजिनेला ये दोनों के दोनों पौधे हैं टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। और टेरिडोफाइटा जो है वो पूर्ण विकसित पौधा होता है, जड़, तना, पत्ती तीनों में इनके शरीर को विभाजित किया जा सकता है। जो ध्यान रखना, मांस और रिक्सिया ये आता है ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में मैंने क्या बोला था कि इनमें, हाँ एक चीज़ याद रखना, अभी फिर से देखो, पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है इसमें कि इनके शरीर को जड़, तना, पत्तियों में विभाजित नहीं किया जा सकता, और ये खारे पानी में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे खारे पानी में, खारे पानी में, मुख्य रूप से खारा पानी होगा तो जल्दी काई लग जाती है, तो खारे पानी में पाए जाते हैं, और जड़, तना, पत्तियों में इनके शरीर को विभाजित नहीं किया जा सकता। ये जो है वो स्थल पे भी पाए जाते हैं और पानी में भी पाए जाते हैं। तो एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जिसे कहा जाता है कि पौधों का उभयचर किसे कहा जाता है, उभयचर पौधा, तो उभयचर पौधा कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। किसे कहा जाता है, आज से पूछा जाए कि पौधों का उभयचर किसे कहा जाता है, तो आप बोलोगे पौधों का उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो एक याद रखना आपको मांस और एक रिक्सिया। तो ध्यान रखना, मांस और रिक्सिया ये उभयचर हैं, उभयचर पौधे हैं। जैसे उभयचर प्राणी हम जानते हैं कौन सा है, मेंढक को क्या बोलते हैं, उभयचर है, उभयचर प्राणी है मेंढक। क्यों, क्योंकि वो जमीन पर भी रह सकता है, स्थल पर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है, ठीक है, मतलब जल में भी रहता है और
स्थल पर भी रहता है। इसी प्रकार पौधे भी होते हैं जो स्थल में भी उग जाते हैं और पानी में भी उग जाते हैं, उन पौधों को कहा जाता है ब्रायोफाइटा। उभयचर पौधे हिंदी में बोलेंगे, ब्रायोफाइटा इंग्लिश में बोलेंगे, और इसके जो एग्जाम्पल है वो है मांस और रिक्सिया। जो मांस और रिक्सिया पौधों उभयचर पौधे हैं। पौधों में कौन से पौधे हैं? उभयचर पौधे हैं। क्यों उभयचर हैं? क्योंकि ये पानी और स्थल दोनों में रह सकते हैं, पानी में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं। और इनका शरीर कैसा होता है? तो इनका शरीर आप बोलोगे तना और पत्तियों में विभाजित कर सकते हैं, लेकिन जड़ों में विभाजित नहीं कर सकते। तो इनके शरीर में तना मिलेगा, पत्तियों दिख जाएंगी क्लियर कि हाँ ये पत्ती है, ये तना है, लेकिन जड़ नहीं दिखेंगी। तो जड़ इनकी बिल्कुल बारीक, बिल्कुल बालों के समान होती हैं, है ना, बालों के समान पतली जमीन के अंदर, इसलिए इनको बोलते हैं यूथाल। यूथाल तो पूछा जा सकता है कि बताइए कि किन पौधों की जड़ों के यूथाल कहा जाता है या यूथाल कैसे होते हैं? तो आप बोलोगे यूथाल की संरचना बिल्कुल पतले बालों के समान होती है। कैसे होती है? पतले बालों के समान होती है इसकी संरचना। और ये जो हैं यूथाल जो होते हैं वो ब्रायोफाइटा की जड़ें होती हैं, ठीक है। ब्रायोफाइटा की जड़ों के यूथाल कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल पतले बालों के समान होती हैं और पानी सोखने का काम करती हैं जमीन से, ठीक है। लेकिन हाँ, पत्ती और तना आपको क्लियर दिख जाएंगी, जड़ें क्लियर नहीं दिखती हैं। लेकिन इनमें जड़, तना, पत्ती तीनों की तीनों क्लियर होते हैं, बिल्कुल साफ देखेंगे, इसलिए इनको पूर्ण विकसित पौधा होता है टेरिडोफाइटा। ये भी पूर्ण विकसित नहीं आते, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन तीनों में से कौन सा विकसित है पूर्ण रूप से? तो टेरिडोफाइटा पूर्ण रूप से विकसित है, और ये भी विकसित है पूर्ण रूप से। मतलब यहाँ से ये तीनों के तीनों पूर्ण विकसित आते हैं, लेकिन हमने इनको पुष्पीय और अपुष्पीय रूप से बांटा है, ठीक है ना। अगर हम ऐसे बांटें कि विकसित पौधे कौन से होते हैं, अविकसित पौधे कौन से होते हैं, तो ये तीनों के तीनों विकसित पौधे होते हैं जिनको बोला जाता है ट्रैकियोफाइटा। तो ऐसे पौधे जो पूर्ण रूप से विकसित होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ट्रैकियोफाइटा, ठीक है। तो विकास के आधार पर भी पौधों को तीन भागों में बांटा जाता है, है ना। जो मैंने नोट्स दिए हैं उनमें ये लिखा हुआ है, जैसे उसमें पहला लिखा है थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, और तीसरा लिखा है ट्रैकियोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा। थैलोफाइटा में ये है, ब्रायोफाइटा में ये है, और ट्रैकियोफाइटा में ये सब थे, ठीक है ना। तो वैसा हम डिवाइड कर लेंगे, अगर आप बोलोगे तो एक वीडियो और बना के आपको समझा देंगे। बशर्ते जो इम्पोर्टेंट है वो ऐसे देखना आप कि ठीक है, पुष्पीय पौधे कौन से होते हैं, अब पुष्पीय पौधे कौन से होते हैं, पुष्पीय को फेनिरोगैमी, अब पुष्पीय को क्रिप्टोगैमी कहते हैं, फेनिरोगैमी, क्रिप्टोगैमी। फेनिरोगैमी में कौन से रहेंगे? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब है आवृतबीजी, है ना, और जिम्नोस्पर्म का मतलब है अनावृतबीजी। तो इसमें एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री किसके रहेंगे? तो आप बोलोगे आवृतबीजी के रहते हैं, मतलब एंजियोस्पर्म के। और थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा किसमें रहेंगे? तो आप बोलोगे अपुष्पी पौधे होते हैं, या हम बोलेंगे क्रिप्टोगैमी, ठीक है, जिसमें थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है कवक, शैवाल और जीवाणु। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइकेन जो होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है? तो कवक और शैवाल, ये दोनों मिलके, कवक प्लस शैवाल मिलके क्या बनाता है? लाइकेन बनाता है। तो कवक प्लस शैवाल मिलके बना देता है लाइकेन, ठीक है, कवक प्लस शैवाल बराबर लाइकेन। जीवाणु यहाँ पे है, तो कवक, शैवाल और जीवाणु तीनों मिलके क्या बनाते हैं? थैलोफाइटा। मांस और रिक्सिया जो है वो ब्रायोफाइटा, फर्न और स्लेजिलेना, है ना, ये कैसे होते हैं? टेरिडोफाइटा। ये विकसित होते हैं। पूछा जाता है इनमें से कौन सा पौधा विकसित है, ठीक है ना। ये जितने भी नाम आए इनमें ध्यान रखना, ये फर्न और स्लेजिनेला, ये ऐसे लगते हैं विकसित नहीं होंगे, लेकिन विकसित पौधे होते हैं। इनमें जड़, तना, पत्तियों में इनके शरीर को विभाजित किया जा सकता है अच्छे रूप से, ठीक है। तो ये, और किस में आता है फर्न? टेरिडोफाइटा में आता है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना था, बस इतना था आपका ये। लेकिन अब आपको क्या करना है, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, इनके बारे में थोड़ा सा हमें बताना है कि कौन से एक बीजपत्री है, कौन से द्विबीजपत्री हैं, ठीक है ना। पत्तियां किसकी कैसी रहती हैं, जड़ें किसकी कैसी रहती हैं, किस में मूसला जड़ पाई जाती है, किसकी पत्तियां चौड़ी होती हैं, तो वो थोड़ा सा एक वीडियो देखेंगे हम यहाँ पर। इसके अलावा कवक, शैवाल, जीवाणु, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। अब इनसे क्वेश्चन, कवक के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे? वो कवक से बन सकते हैं, शैवाल, जीवाणु, और इसके अलावा हम विषाणु से भी देख लेंगे कि वायरस से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो कौन कौन से बनते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, तो कवक, शैवाल, जीवाणु, विषाणु, और यहाँ पर एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, तो इनसे जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको एक अलग से वीडियो में बता देंगे। आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आप देख देख के बस अच्छे से लिखते जाओ, समझते जाओ। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए, इसको लिख लीजिए।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको लिख लेना अच्छे से। बस इसके बारे में अच्छे से एक बार जान लिया आपने तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बहुत अच्छे से डीपली हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा वीडियो।